यूपी से राजन जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है राजन जी। नमस्कार। नमस्कार। आदाब। डॉक्टर साहब, हमें उंगलियों में, हेलो, जी, राजन भाई। उंगलियों में झुंझुनाहट रहती है और चलने में कुछ गांठ में भी दर्द होता है, पांव में जी, उठने बैठने में दिक्कत होती है जी। राजन भाई, कितनी उम्र है जी आपकी? सर, 74। 74। अब वो तो नहीं छोटा राजन, एक वो साहब थे महाराष्ट्र में, छोटा राजन, फिल्म भी बनी उन पर। अच्छा, देखिए, इस उम्र में ऐसा होता है, अगर आप दवाओं से तंग आ गए हों तो फिर यूनानी दवा ले लीजिए कुछ दिन, और शर्त यह है कि अगर एक महीने में भी फायदा हो जाए तो 3-4 महीने इलाज करें। अगर ये चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी बगैर दर्द के गुजर जाए तो दवा के तौर पर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, या घरेलू नुस्खे के तौर पर अगर असली गौंद स्याह मिल जाए तो आधा आधा ग्राम लें, और 100 ग्राम में मिल गया तो उसके ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल, देखिए राजन जी, यूनानी मेडिसिन तो आपको बता दी गई है, लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगी कि नुस्खे अगर अपना लेंगे तो वो ज़्यादा असरदार होंगे आपके लिए। लेकिन यूनानी मेडिसिन दर्ज को आप लोगों को इसलिए बता दी जाती है क्योंकि जब आप लोगों को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है या फिर आप लोग भूल जाते हैं कि कैसे आप लोगों को नुस्खे बनाने हैं, तो वक्त थोड़ा लगता है ज़रूर है, लेकिन आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जब तक आप नुस्खे नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पाता है, आप लोग यूनानी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। बाकी दर्ज को लाइव कार्यक्रम चल रहा है, रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर है राम कुमार जी, पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए। मेरे घर वालों को 2014 से थायराइड है, को जी 14 से दिसंबर 14 ठीक है, तब पता चला, अब नॉर्मल आ रहा है और गोली 75 mg की, अब 50 कर दी उन्होंने। हेलो। हाँ, नॉर्मल आ रहा है, आपका क्या सवाल है? सवाल ये है, अभी हमने मनीष त्रिवासी की संस्था से जिले किट ली थी, 1 महीना खाई लॉकडाउन में, और उसके बाद नॉर्मल तो हो गया, फिर गोली भी कम हो गई। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जी, भैया जी, वो देसी दवाई से कुछ ठीक हो सकता है जो हम घर पे कर लें, ऐसी कोई दवाई हो, दिल बिल्कुल खत्म हो जाए? देखिए, वही दवाई तो मैं बताता हूँ, अभी जैसे मैं बता रहा था किसी महिला को कि थायराइड का इलाज मुमकिन है, थायराइड की गोली खाते हुए आप 3-4 चीज़ें लीजिए, धनिया 300 ग्राम लिख लीजिए, आप गलती करेंगे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप असली लेना, और पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम उसकी दवा के साथ ले सकते हैं, जो डॉक्टर की दवा है उसे भी छोड़े नहीं, वो हर महीने कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और बहुत जल्द वो छूट जाएगी, 6-7 महीने लगते हैं, और फिर ये जो नुस्खा मैंने बताया ये भी छूट सकता है और वो बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर गंगानगर से शंकर लाल जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार भाई जी। जी आदाब। मैं सब पूछ रहा था कि गुर्दे की पथरी है, ये बार बार पड़ती है, और इसके निकालने का सही साधन क्या है? अच्छा, देखिए, समझ लीजिए कि गुर्दे में जिसको भी पथरी होती है बार बार ही होती है, तो पहले मैं ये नुस्खा बता दूँ और फिर ये बताऊँगा कि क्या करना है ताकि बार बार होने से बाज आ सके। देखिए, एक तो ये कि जैतून का नमक आता है, नमक जैतून जिसे कहते हैं, ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम 1 गिलास पानी में मिलाएँ और 1-2 नींबू निचोड़ें और इसे रोज़ाना पी लिया करें, 1 बार या 2 बार, और इस पानी के साथ 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीजिए, ये इसका तरीका है।
ये नमक जैतून जाके उसको पाउडर बनाता तोड़ता है रोज़ाना, और कभी भी आपकी पथरी निकल सकती है। और जो पानी ज़्यादा पीते हैं उसके पेशाब के फोर्स से वो बह के निकल जाती है। अब जब आपका ये पथरी निकल जाए तो आप फिर कभी कभी इसे लिए लीजिए, और काफ़ी दिन तक लीजिए, महीनों तक यही नुस्खा, तो आपकी पथरी बननी भी बंद हो जाएगी। जी, अगले कॉलर हैं नेहा, हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। स्वागत है नेहा जी, जी बोलिए, सवाल क्या है आपका? मैम मुझे बात करना था। जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर, मेरी बेटी 8 प्लस की उम्र है उसकी, उसे स्किन प्रॉब्लम, मतलब शरीर में जो सफेद दाग होता है वो हो गया है, और उसके लिए तो ट्रीटमेंट चला रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इसको शरीर में बहुत चुनकानी हो रहा है। 8 साल की बच्ची ना? जी, तो बेटा देखो, इसका इलाज है बहुत लंबा, करने वाला भी थक जाता है और कराने वाला भी थक जाता है। और मैं भी एक इलाज बता देता हूँ। देखिए, एक एक जड़ी बूटी बीज आते हैं, और वो आप, उसका नाम है बापची। बापची नाम से एक खुशबूदार बीज आते हैं जो मेथी के बराबर होते हैं, और मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है, देखने में काले काले होते हैं, और उसे ऐसे करो तो वो कालापन भी चला जाता है, तो वो थोड़े हल्के लाल से निकल आते हैं, काफ़ी सस्ते भी आते हैं। और ये 100 ग्राम ले लें, और 100 ग्राम, ये 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, इन सबको पाउडर बना के रखें, और बस 1 ग्राम रोज़ाना खाया करें। 1 ग्राम मतलब एक बड़े कैप्सूल की बराबर, और 2 महीने में कुछ रंग बदलेगा सफ़ेद दाग का। अगर रंग बदल गया तो आप लगातार 1 साल भी खाना पड़ सकता है, आप इसे लगातार खाएं, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें ताकि उसको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि सफ़ेद दाग के बारे में आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट करते करते पेशेंट भी थक जाता है, परिवार के लोग भी थक जाते हैं, लेकिन जब ये सफ़ेद दाग होने शुरू होते हैं तो एक एक करके शुरुआत होता है इनका, तो एक बारे में अगर हम इसको पहचान लें कि हमें सफ़ेद दाग हो रहे हैं, तो शुरुआती दौर में इसको जल्दी कंट्रोल करना सही रहेगा? हर मर्ज को, जी यानी कोई भी मर्ज है हमें, अगर चाहे कैंसर भी है, बिल्कुल शुरुआती दौर में उसका इलाज हो जाता है। जी टीबी है, शुरुआती दौर में उसका इलाज हो जाता है। कोई भी बीमारी शुरुआती दौर में बहुत जल्दी काबू में आ जाती है, और फिर वो जब हमारे बॉडी पर कब्जा कर लेती है फिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि आदमी तरह तरह के इलाज करता है और होम्योपैथी करता है। मालूम हुआ कि वो होम्योपैथी, जब तक ज़िंदगी है जब तक इलाज करते रहो, सांस ख़त्म इलाज ख़त्म, नज़र कुछ नहीं आता फ़ायदा। एक यूनानी है जिसमें फ़ायदा नज़र आता है, 4-5 महीने इसको दरकार हैं, इसको चाहिए, अगर विश्वास हो तो इसमें आप अपना इलाज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं सुमित जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। मैम मुझे थोड़ी सी समस्या थी, उसके बारे में बात करनी थी मैम। किस चीज़ की? ये मैम मेरे पीठ में दर्द होती है, 5-6 महीने से बहुत तेज दर्द हो रही है। मैंने होम्योपैथी की ट्रीटमेंट भी करवाई, 2 दिन मैंने कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मैम। एज क्या है आपकी? मेरी है 50 से ऊपर हो गई मैम। ठीक है, पीठ में दर्द? हाँ जी, पीठ में दर्द रहता है। और देखिए, इसका इलाज यूनानी कर सकती है फौरी तौर पर। सबसे अच्छी दवा एलोपैथी, जो आप इंग्लिश दवाएं खाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन खा नहीं सकते, इसलिए आप जब दर्द हो तो वो खा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं खा सकते। यूनानी में देखिए, एक तो गौंसिया है, जो आपको अगर असली मिल गया, इसमें नकली बहुत आता है, आधा आधा ग्राम खाइए, 100 ग्राम खरीद लीजिए। ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले ऐसे रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, या फिर कैप्सूल टी केयर खाइए सुबह शाम। लेकिन अगर किसी को 1 महीने में फ़ायदा हो तो 3-4 महीने इलाज करना ज़रूरी है, ताकि ये रोग दोबारा से ना हो सके। जी, महाराष्ट्र से अगले कॉलर सतीश, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम। जी सतीश जी, बताइए सवाल।
जी मिसेस का हमारे 3 बार इंटीम हो गया है। जी क्या हो गया? इंकेजिंग यानी जो बच्चा हुआ है। हाँ बोलिए। तो मिसकैरेज यानी हो गया है। मिसकैरेज हो गया। अच्छा ठीक है जी। अभी कितनी आयु है इनकी? 35 साल। ठीक। अच्छा देखिए ऐसे 50-100 ग्राम अश्वगंधा खरीद लें और 50-100 ग्राम आप कॉर्न मोरिंगा खरीद लें, इनको पाउडर बनाएं और दो चुटकी रोजाना रात को उन्हें खिला दिया करें दूध के साथ। और जब वो यानी प्रेगनेंसी हो तो वज़न उठाने का काम ना करें या उछलने कूदने का काम ना करें और 4 महीने एहतियात करें काम करने से, कूद के ना चलें। जैसे बच्चियां होती हैं शादी हो गई अब उन्हें वही आदत होती है, तो घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो उनको अपनी हिदायत पर काम चलाएं और बहुत जल्दी उनको साहिब उम्मीद होना मुमकिन है। जी इंदौर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राजीव जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, प्रश्न करिए अपना। नमस्कार अजीम साहब जी। आदाब राजीव भाई। सर मुझे बहुत टाइम से सिर बदन की समस्या है। समझे किस चीज की समस्या है? सिर बदन। अच्छा अच्छा ठीक है जी। मतलब बहुत, मतलब 10-20 साल से सब दवाइयां ले चुका हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो देखिए ये आपकी समस्या नहीं है, ज़्यादातर मर्दों की आजकल ये समस्या है, नए लड़कों की ये समस्या है, बहुत से रिश्ते ख़राब हो गए हैं और इसके लिए बाकायदा इलाज कराना चाहिए। और अपनी एक एक बात आप हमारे मेल डॉक्टर से करें और पूरी बात बताएं तो आपको वो पूरा सजेशन देंगे, बाकायदा इलाज कराइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से बात करें और कोई भी ऐसी समस्या, सेक्सुअल समस्या या औरतों को और मर्दों को भी होती है तो वो फीमेल डॉक्टर भी हमारे पास बैठे हुए हैं। हम भारत में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते, ख़ासतौर पर लाइव प्रोग्राम में, तो आप वो कर लें और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे भी हैं, नुस्खा भी बता देता हूँ लेकिन बेहतर ये कि आप बात कर लें। देखिए अश्वगंधा 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम और 100 ग्राम लीजिए गौन मोरिंगा सफ़ेद और 100 ग्राम लीजिए सफ़ेद मूसली। ये 3 चीज़ों को खूब बारीक पाउडर बना के 2 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ लेने से भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी दिल्ली से सोनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जी। आदाब सोनिया जी। जी मेरी एज 52 ईयर्स है और मुझे काफ़ी सालों से थायराइड है और अभी कुछ दिनों से मुझे लोअर बैक, मतलब लोअर बैक और थाइस के बीच में काफ़ी स्टिफनेस फील होती है और लोअर बैक में बहुत पेन रहता है। जी हाँ देखिए थायराइड भी आपका ठीक हो सकता है और ये मर्ज भी ठीक हो सकता है। इस मर्ज के लिए या तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं या गौन मोरिंगा गौन सियाह मिल जाए, एक काला गौंद आता है जायके में कड़वा होता है और ज़रा संभल के लेना नकली बहुत होता है, आधा आधा ग्राम अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। थायराइड के लिए देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप वो दवा खाते हुए खाएं और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला ये सूखा मिलता है सब, और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद। अच्छा ये गौन महंगे आते हैं, सस्ते न लें, बस असली लें। गौन मोरिंगा जो लें वो सफ़ेद वाला लें, लाल वाला ना हो। ये पाउडर बना के आप एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें
वो दवा भी लेते रहें जो आप लेते हैं, और आप देखेंगे कि हर महीने आपकी थायराइड की गोली की प्रोटेंसी कम करेंगे डॉक्टर। आप भी अपनी रिपोर्ट पुरानी और नई देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है, फिर भी 6-7 महीने लग सकते हैं। जी, दिल्ली से ही अगली कॉलर है संध्या। स्वागत है संध्या जी आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। हकीम साहब से बात करें। जी आदाब, बताइए। हकीम साहब, मेरे आदमी है 72 साल के, उनको कंपन है और टांगों में चलने की हिम्मत नहीं है, वीकनेस बहुत आ रही है और ज्यादा इसमें भी कमी आ रही है। जी जी, हाँ, देखिए इस उम्र में ऐसे ही उनका ख्याल रखिए, और कंपन में भी कमी आ सकती है, लेकिन कमज़ोरी तो दूर हो सकती है। अगर ये कमज़ोरी की वजह से कंपन है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। माजून आर केयर, सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से खिलाएं और दिन में 5 मरतबा गर्म पानी पिएं, और अगर 1 महीने फ़ायदा हो जाए तो 5 महीने तक इलाज करें, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।